दोस्तों, हर इंसान यही सोचता है कि वह मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाए और उन पैसों से अपनी आगे की ज़िंदगी खुशहाली से जी पाए। पर इस पैसा कमाने की रेस में हर कोई सफल नहीं हो पाता। कुछ लोग आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। आज हम ऐसे 10 लोगों के बारे में जानेंगे जो पैसा कमाने की रेस में बहुत आगे निकल चुके हैं और आज दुनिया के अमीर आदमी माने जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी एक इंडियन बिजनेसमैन है। इनका जन्म 19 अप्रैल 1957 में यमन एक जगह पर हुआ था। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे। कोविड-19 लॉकडाउन पीरियड में मुकेश अंबानी जी ने $20 मिलियन यानी इंडियन रुपीज में 145 करोड़ की फंडिंग रेज की थी। मुकेश अंबानी जी का नेटवर्थ है $81.3 बिलियन। अगर भारतीय रुपये में देखें तो ये होते हैं लगभग 5,90,000 करोड़ रुपए। नंबर 9 पर है सर्गी ब्रायन। सर्गी ब्रायन एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट और इंटरनेट एंटरप्रेन्योर है। सर्गी ब्रायन का जन्म 21 अगस्त 1973 में मॉस्को रशिया इस जगह पर हुआ था। सर्गी ब्रायन ने गूगल कंपनी की स्थापना 1998 में लैरी पेज के साथ मिलकर की थी। आज गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन माना जाता है। 3 दिसंबर 2019 में सर्गी ब्रायन गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इनकॉर्पोरेट के प्रेसिडेंट पद से हट गए। अभी सर्गी ब्रायन अल्फाबेट कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर और बोर्ड मेंबर है। सर्गी ब्रायन इनका नेटवर्क $86.2 बिलियन इतना है। अगर भारतीय रुपए में देखें तो यह करीब 6,25,000 करोड़ है। नंबर 8 पर है लैरी पेज। लैरी पेज एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट और इंटरनेट एंटरप्रेन्योर है। लैरी पेज इनका जन्म 26 मार्च 1973 में अमेरिका के लैंसिंग मिशिगन राज्य में हुआ था। लैरी पेज ने 1998 में सर्गी ब्रायन के साथ मिलकर गूगल कंपनी की स्थापना की। अगस्त 2001 तक गूगल कंपनी की सीईओ पोजीशन पर लैरी पेज कार्यरत रहे। अप्रैल 2011 से जुलाई 2015 के बीच लैरी पेज फिर से गूगल कंपनी के सीईओ बने। लैरी पेज इनका नेटवर्थ $88.9 बिलियन है। अगर भारतीय रुपए में देखें तो यह लगभग 6,45,000 करोड़ रुपए इतना है। नंबर 7 पर है लैरी एलिसन। लैरी एलिसन एक अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट, इन्वेस्टर और फिलंथ्रोपिस्ट है। लैरी एलिसन इनका जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। लैरी एलिसन ओरेकल कॉरपोरेशन कंपनी के को फाउंडर, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर इस पद पर कार्यरत है। लैरी एलिसन ने बॉब माइनर और रेडोट्स के साथ मिलकर 1977 में ओरेकल कंपनी की शुरुआत की, SDL यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरी इस नाम के साथ। इतना ही नहीं दोस्तों, लैरी एलिसन एक आइलैंड के मालक भी है। लैरी एलिसन ने जून 2012 में लनाई आइलैंड जो कि अमेरिका में है उसे $500 मिलियन में खरीद लिया था। लनाई गार्डन अमेरिकन आइलैंड लिस्ट में 41 नंबर पर आता है। लैरी एलिसन इनका नेटवर्थ है $89.7 बिलियन। भारतीय रुपए में अगर देखें तो यह होता है लगभग 6,50,000 करोड़ रुपए। नंबर 6 पर है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट एक अमेरिकन इन्वेस्टर, बिजनेस टाइकून और फिलंथ्रोपिस्ट है। वॉरेन बफेट इनका जन्म 30 अगस्त 1930 में ओमाहा नेब्रास्का राज्य में हुआ था। वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे कंपनी के चेयरमैन और सीईओ पद पर कार्यरत है। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में वॉरेन बफेट इनका नाम लिया जाता है। वॉरेन बफेट ने अपने पैसे बहुत सारी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किए जैसे कि कोको कोला, एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस। तो वॉरेन बफेट इनका नेटवर्थ है $96.3 बिलियन। भारतीय रुपये में अगर देखें तो यह होते 6,98,000 करोड़ रुपए। नंबर 5 पर है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग एक अमेरिकन मीडिया मैग्नेट, इंटरनेट एंटरप्रेन्योर और फिलंथ्रोपिस्ट है। इनका जन्म 14 मई 1984 में अमेरिका के व्हाइट प्लेन, न्यूयॉर्क राज्य में हुआ था। दोस्तों, आज दुनिया में लगभग सभी लोग बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक का यूज करते हैं। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक कंपनी के सीईओ, चेयरमैन और कंट्रोलिंग स्टेक होल्डर है। 4 फरवरी 2004 में मार्क ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फेसबुक को बनाया और लॉन्च किया। 2007 में मार्क दुनिया के सबसे पहले यंगेस्ट बिलियनर बने। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यह सारे फेसबुक के प्रोडक्ट है। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के अलावा एक और कंपनी के को फाउंडर है जिसका नाम है सोलर सेल। यह कंपनी स्पेसक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसका नाम है ब्रेक थ्रू स्टार शॉट। मार्क इस कंपनी के बोर्ड मेंबर है। मार्क जुकरबर्ग का नेटवर्थ है $105.8 बिलियन। अगर भारतीय रुपए में देखें तो यह होते हैं 7,67,000 करोड़ रुपए। नंबर 4 पर है बिल गेट्स। बिल गेट्स एक अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऑथर, इन्वेस्टर और फिलंथ्रोपिस्ट है।
बिल गेट्स इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 में अमेरिका के वॉशिंगटन यहाँ हुआ था। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के को फाउंडर है। अपनी माइक्रोसॉफ्ट करियर में बिल गेट्स कंपनी के चेयरमैन, सीईओ, प्रेसिडेंट, चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट रह चुके हैं। मई 2014 तक बिल गेट्स कंपनी के इकलौते सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत 1975 में अपने बचपन के दोस्त पॉल एलन के साथ की थी। बिल गेट्स इनका नेटवर्थ है 126 बिलियन US डॉलर। अगर भारतीय रुपए में देखें तो यह होते हैं लगभग 914,000 करोड़ रुपए। नंबर तीन पर है बर्नार्ड अर्नोल्ड। यह एक फ्रेंच बिजनेसमैन और आर्ट कलेक्टर है। इनका जन्म 5 मार्च 1949 में रॉबेक्स, फ्रांस यहाँ हुआ था। इस वक्त अर्नोल्ड LVMH कंपनी के चेयरमैन और CEO है। LVMH कंपनी यह दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी गुड्स कंपनी है। झारा कंपनी को टेक ओवर करके अप्रैल 2018 में अर्नोल्ड फैशन इंडस्ट्री के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। दिसंबर 2019 में अर्नोल्ड ने जेफ बेजोस को पीछे डाल दिया था और दुनिया के अमीर आदमी बन गए थे। बर्नार्ड अर्नोल्ड इनका नेटवर्थ है 160.1 बिलियन US डॉलर। अगर भारतीय रुपए में देखें तो यह होते हैं लगभग 11,61,000 करोड़ रुपए। नंबर दो पर है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क एक बिजनेस मैग्नेट, इंडस्ट्रियल डिजाइनर और इंजीनियर है। इलॉन मस्क इनका जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका इस जगह पर हुआ था। इलॉन मस्क अभी स्पेसएक्स कंपनी के फाउंडर, सीईओ, सीटीओ है। टेस्ला कंपनी के वह सीईओ और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट है। बोरिंग कंपनी के वह फाउंडर तथा न्यूरोलिंक और ओपनएआई कंपनी के को फाउंडर है। आज टेस्ला कंपनी कामयाबी छू रही है। इस कामयाबी के पीछे इलॉन मस्क का बहुत बड़ा हाथ है। इलॉन मस्क बहुत बड़े सपने देखते हैं और उन सपनों को वास्तव में लाने के लिए उस पर मेहनत लेते हैं। इलॉन मस्क की हर एक कंपनी के पीछे अलग अलग कहानी होती है। इलॉन मस्क मंगल ग्रह पर बस्ती बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी की स्थापना की। ट्रैफिक की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने बोरिंग कंपनी की शुरुआत की। यह कंपनी जमीन के नीचे टनल्स बनाती है। फ्यूचर में होने वाले फ्यूल की चिंता को ध्यान में रखकर उन्होंने टेस्ला कंपनी की शुरुआत की और मार्केट में इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की। इलॉन मस्क की ओपन एआई कंपनी नए इनोवेशन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है। न्यूरालिंक कंपनी फिजिकल और मेंटली हैंडीकैप लोगों के लिए मशीन्स का इन्वेंशन कर रही है। इलॉन मस्क का नेटवर्थ है 162.4 बिलियन US डॉलर। अगर भारतीय रुपए में देखें तो यह होते हैं 11,78,000 करोड़ रुपए। नंबर एक पर है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस एक अमेरिकन इंटरनेट एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट, मीडिया प्रोप्राइटर और इन्वेस्टर है। जेफ बेजोस इनका जन्म 12 जनवरी 1964 में न्यू मैक्सिको यहाँ हुआ था। जेफ बेजोस दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन के फाउंडर और सीईओ है। 2 फरवरी 2021 तक जेफ बेजोस अमेजोन कंपनी के सीईओ पद पर कार्यरत थे। जेफ बेजोस ने साल 2000 में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट सर्विस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसका नाम ब्लू ओरिजिन यह है। यह कंपनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पर काम करती है। जेफ बेजोस का नेटवर्थ है 180.6 बिलियन US डॉलर। अगर भारतीय रुपये में हम देखें तो यह होते हैं लगभग 13,10,000 करोड़।